बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है मेरे लिए, और सबसे बड़ी बात है एक नए डायरेक्टर को जो पहली बार फिल्म बनाने जा रहा है उसके ऊपर लोग ट्रस्ट करें। ये एक नए डायरेक्टर, मैं लकी हूँ उस मामले में देखा जाए कि सारे लोगों ने, नॉट ओनली प्रोड्यूसर, क्रू मेंबर जितने कैमरामैन हुए या कोरियोग्राफर हुए, सारे लोगों ने ट्रस्ट किया। और सबसे अच्छी बात क्या थी इस फिल्म में कि मैंने हर किसी को फिल्म नरेट किया, चाहे वो कोरियोग्राफर हो, चाहे वो म्यूजिक डायरेक्टर हो, चाहे वो कोई भी है जो, या फाइट मास्टर, सब लोगों को मैंने फिल्म को पहले जिस्ट बताया कि भाई ये हम चाहते हैं, इस तरह से फिल्म को करना है। और इसका रिजल्ट हुआ कि हमने 45 डेज़ की शूटिंग प्लान की थी और 42 डेज में हमने कंप्लीट कर ली थी वन गो में। दिस इज द माई सर, ये नॉन एक्टर देव हैं और प्रोजेक्ट में वो सिंपलिसिटी है, सब कुछ लग रहा है बिल्कुल फैमिली 90s के एरा का, उसके बाद ये वो कितना आपको लगता है एक्सेप्टेंस होगा दर्शक का जब पर्दे पे आएगी ये फिल्म? देखिए फिल्म तो बहुत सिंपल है, इट्स अ वेरी ऑड, मतलब इसको हमने कोई कॉम्प्लिकेट नहीं किया फिल्म को, वेरी सीधी सादी फिल्म है। इसमें गांव का जो कल्चर है उसको दिखाया, इसमें कोई ऐसा सस्पेंस थ्रिलर नहीं है। आप समझ सकते हैं कि फिल्म का क्या होगा, कैसे होगा, क्या एंड होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें, एक बड़ी सिंपल फिल्म, इसमें कोई बहुत ही जगलरी हमने नहीं की है फिल्म, तो इट्स अ ऑर्डिनरी सिंपल फिल्म है, लोग पसंद करेंगे चूँकि म्यूज़िकल फिल्म भी है और बाकी चीज़ें हैं इसमें, इसमें कॉमर्शियल एलिमेंट्स भी है, लाइक गाना वगैरह देखिए या फिर ये फाइट वगैरह इसमें जो है, एक्शन है, सब एक कॉम्बिनेशन इसका जो है, इट्स ओके फॉर कमर्शियल फिल्म। ऑलमोस्ट 25 years सर, आफ्टर 25 years दिस इज माई डेब्यू फिल्म, लोगों ने ट्रस्ट करके हमें काम दिया और मैं सबके लिए शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल माई क्रू मेम्बर्स, जितने लोगों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, और देखते हैं बाकी चीज़ जब 16th को रिलीज़ होगी तो उसके बाद क्या लोगों का रिएक्शन होगा।